बात जब अपने नए घर में प्रवेश करने की हो तब खुशी अलग होती है। फिर चाहे वह घर आपका अपना खरीदा हुआ हो या फिर किराए का लिया हुआ हो, नए घर में रहने जाना यानी अपनी जिंदगी को दोबारा नई तरीके से जीने का उत्साह व उमंग। अपने नए घर में जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं। सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, वार एवं नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण करें। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें, जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करा सके। माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही बताया गया है। अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, पौष इसके लिहाज से शुभ नहीं माने गए हैं। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष के 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12 और 13 तिथियां प्रवेश के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। पूजन सामग्री: कलश, नारियल, शुभ जल, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, धूपबत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध आदि लगेंगे। मंगल कलश के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुभ जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश व नारियल पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइए। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में लाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर तथा स्त्री बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोने में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान और स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उफारना चाहिए। मिष्ठान बनाकर भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाए। गौ माता, कौवा, कुत्ता और चींटी आदि के निमित्त भोजन निकाल कर रखे। ब्राह्मण को भोजन कराए या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करा दे, इससे घर में सुख शांति व समृद्धि आती है व हर प्रकार के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।